हेलो दोस्तों, काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा। आज की वीडियो की टॉपिक है फ्रिज की लाइट जलती है मगर फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा या फिर काम नहीं कर रही है ठीक से, क्या प्रॉब्लम है, कैसे पहचानोगे आप। मैं बताऊंगा बहुत सिंपल बहुत सरल तरीके से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए इसके दरवाजा को खोलना है इस तरीके से। दरवाजा खोलने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर एक बटन है, बटन को देख लीजिए, कहीं डिफॉल्ट वगैरह किए होंगे तो बटन अंदर के साइड दब जाती है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, आप पूरा घुमाएंगे ऐसे, बंद करेंगे पूरा, फिर से चालू करेंगे तो ये बटन बाहर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो इसको खींचना इस तरीके से, ये देखिए तो बटन निकल जाती है। ये देखिए जब आप इस तरीके से करते हैं, और इसको बहुत सिंपल तरीके से लगा भी सकते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से लग जाती है। जब आपने देख लिया ऐसा करके, उसके बाद भी कुछ नहीं हुई तो सिंपल आपको क्या करनी है वो भी बताता हूँ। चलते हैं फ्रिज के पीछे साइड। तो ये देखिए हम आ चुके हैं फ्रिज के पीछे साइड, हमें देखनी है इसके नीचे के साइड। ये देखिए ये आप पूरी नीचे की साइड देखनी है। कभी कभी क्या होती है, चूहा वगैरह होता है जो कि तार को काट देती है, या फिर कभी कभी क्या होती है जो तार है वो शॉर्ट हो जाती है, जल जाती है। मेरा वीडियो एग्जांपल है, आप अपने फ्रिज को देखेंगे और प्रॉब्लम को पहचानेंगे। जब आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी तार जली नहीं है या फिर कटी नहीं है, तो सिंपल क्या करनी है, फ्रिज की प्लग को बंद करनी है, स्विच ऑफ करनी है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे दो पार्ट लगे हुए हैं, इन दोनों पार्ट को खींचकर निकालनी है। देखिए किस तरीके से निकालनी है, टेस्टर वेस्टर लगानी है और ये पार्ट बाहर आ जाती है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं दोनों पार्ट बाहर आ जाती हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर कोई पार्ट जल गई है या तड़क गई है या फिर खराब हो गई है, वो आप देखने से ही पहचान सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखिए ये पार्ट जो है खराब होती है तो इसको इस तरीके से हिलाएंगे तो ये साउंड आएगी, टूट गया होगा तो, या फिर नहीं टूटा होगा तो ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं जल गई है या खराब हो गई है। सिंपल क्या करनी है, अगर जल गई है खराब हो गई तो इसको दूसरी लानी है और अपने फ्रिज की कंप्रेसर पे फिर से लगानी है। बस इतना सा ही काम है। जैसे आपकी फ्रिज नहीं चल रही थी, आपकी फ्रिज जो है नहीं चल रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सिंपल बहुत सरल तरीका। वीडियो अच्छी लगी लाइक से जरूर कीजिएगा, आपकी काम आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी काम में आ सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।